The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के एक और नए म्यूटेंट स्ट्रेन के बारे में, B16, B1617। ये नया स्ट्रेन आपने सुना होगा न्यूज़ में और ये मिल रहा है सिंगापुर में और ये बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी अफेक्ट कर रहा है। तो कोरोना वायरस बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी अफेक्ट कर रहा है, ये वाला। अब समझने वाली बात ये है कि ये वायरस के अंदर सिर्फ और सिर्फ खतरनाक म्यूटेशन नहीं हो रहे। ऑब्वियसली जब म्यूटेशन हो रहे हैं तो बहुत सारे मल्टीपल म्यूटेशन हो रहे हैं और एक कॉन्स्टेंटली म्यूटेटिंग वायरस आया है दुनिया में, बनाया है व्हाटएवर, ठीक है, जिसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं, जल्दी जल्दी होते हैं और ज़्यादातर म्यूटेशंस जो होंगे वो हार्मलेस होंगे, लेकिन ये वाला म्यूटेशन, कुछ म्यूटेशंस होंगे जो डेंजरस हो जाएंगे। अब जब डेंजरस म्यूटेशन आ जाते हैं तब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि उस म्यूटेशन से वायरस की इन्फेक्टिविटी या फिर उसके डैमेज करने की क्षमता बढ़ सकती है। अब बच्चों के अंदर थाइमस ग्लैंड होता है जिसके उनको एडिशनल इम्यूनिटी मिलती है, जो हमने पहले सुना था, बोला था लोगों ने कि भाई ठीक है, थाइमस ग्लैंड की वजह से बच्चों को इन्फेक्शंस कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा गहराई में जाके नहीं हो रहे, बहुत सीरियस नहीं हो रहे जितने एडल्ट्स को हो रहे हैं, जितने बुजुर्गों को हो रहे हैं, राइट। लेकिन ये जो स्ट्रेन है इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी सीरियसनेस ज़्यादा नहीं देखी गई। इन्फेक्टिविटी मतलब सिंगापुर में, क्योंकि उन्होंने अपना 1/3, 1/4 ज़्यादातर पॉपुलेशन को ऑलरेडी वैक्सीनेट करा रखा है, उनके यहाँ पे कोरोना का मैनेजमेंट, कोविड का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उन्होंने ऑलरेडी मतलब आज तक देखोगे तो उस कंट्री में डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा कम है, सो इसलिए वहाँ पर डिटेक्शन रेट भी ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो था इतना लॉकडाउन नहीं था, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए या स्कूल हो गए या बच्चों के जो एक साथ बैठने वाले ग्रुप एरियाज है वहाँ पर, तो वहाँ पर वो फैल जाता है। सो बच्चों में बिकॉज ऑफ दैट एरियाज वेयर, जहाँ पर बच्चे एक साथ होते हैं बहुत सारे, ज़्यादातर बच्चों की लर्निंग छोटे हो या बहुत ज़्यादा छोटे हो, है ना, एक साथ ग्रुप में ही होती है और उस लर्निंग वाले एरियाज में वायरस, एक को भी है तो सबको हो जाएगा। तो वायरस ट्रांसमिशन जो है बहुत तेजी से होता है, ये बच्चों का मामला है, अनलेस एंड अनटिल लॉकडाउन है, अनलेस एंड अनटिल बच्चे घर पे हैं। इसी के चलते अब उन्होंने, सिंगापुर वालों ने भी अपना स्कूल्स और ये सारे ट्यूशंस और बच्चों के जॉइंट एरियाज जो हैं वो बंद कर दिए। सो देखा क्या गया वहाँ पर कि B16, B1617 ये वेरिएशन, ये म्यूटेशन COVID-19 वायरस में आया है और वो बच्चों में जल्दी जल्दी फैल रहा है। ऑल्दो वहाँ पे बच्चे इन्फेक्ट एक्टिविटी तो बहुत हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे कोई सीरियस नहीं हो रहे, और इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये वायरस की कमी है, ये कह सकते हैं कि वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम ज़्यादा अच्छा हो सकता है। यही चीज़ अगर एक फेल्ड हेल्थ केयर सिस्टम जैसे इंडिया जैसी हालत में आ जाए तो छोटे छोटे बच्चे जिनको छोटी मोटी केयर की जरूरत है वो भी ना मिले, मिसमैनेजमेंट हो जाए, देन देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। इसीलिए आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल ने जो स्टेटमेंट दिया, भाई बंद कर दो सिंगापुर से फ्लाइट, पर ठीक है वो पॉलिटिकल, लोगों के अपनी अपनी मर्जियां, उसमें हम तो कुछ नहीं बोल सकते, बट
बच्चों को भी खतरा है। इंडिया में इस सेकेंड फेज में, सेकेंड वेव में बच्चे भी ज़्यादा मात्रा में पेशेंट्स आए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, बीमार हुए हैं, आईसीयूज में एडमिट हुए, सीरियस हुए हैं और बच्चों में कई बच्चों की मृत्यु भी हुई है। बच्चों में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, देखो नॉर्मली तो बच्चों का सिंपल मैनेजमेंट ही है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है कोविड में भी, मगर बच्चों में, कुछ बच्चों में 5% कह लो, 3% कह लो, 2% कह लो, बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस इन द सेंस किसी में GBS यानी कि गुलेनबारी सिंड्रोम, सीजर्स, दौरे पड़ने, या फिर इवन MISC जिसे हम कहते हैं, बहुत मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाता है, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो वो भी दिक्कत आ रही है। बच्चों के लिए भी प्रिवेंशन ज़रूरी है, प्रोटेक्शन ज़रूरी है, प्रिकॉशन ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है जिसको घर पे हो जाए उसको आइसोलेट करो, बच्चों के पास मत भेजो, बच्चे उनके पास मत भेजो। बच्चे कई बार मास्क भी नहीं पहनते, और 2 साल से नीचे तो मास्क पहनने के लिए बोला ही नहीं था, वो तो पहले ही मना कर रखा था। बच्चों के लिए वैक्सीन भी नहीं है अभी तक, अप्रूव्ड नहीं है, हो सकता है आगे चल के बच्चों के लिए वैक्सीन अप्रूव हो जाए, ठीक है, अभी नहीं है, अभी जब होगी तब बच्चों को भी दी जाएगी वैक्सीन, अभी नहीं है। तो अभी आपको अपने बच्चों को हेल्थी रखना है। जितने भी बच्चे हैं जिनको प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं कोई भी, उनको थोड़ा खतरा ज़्यादा है, तो प्री एग्जिस्टिंग बीमारी को मैनेज करिए। बच्चे को कोई भी बीमारी हो, अस्थमा है, बच्चे को कोई जेनेटिक बीमारी है, उनका कुछ ज़्यादा ख्याल रखिए। बच्चे को डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, है ना, बच्चे की डेफिशिएंसी यानी आयरन, बच्चे का आयरन लेवल कम नहीं होना चाहिए। बच्चे को देखिए वो उसकी ज़बान लाल है कि नहीं, दूसरे बच्चे से अपने से कंपेयर करिए। हाँ, कई बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी पाई जाती है, कई बच्चों में विटामिन डी, B12 की कमी देखी जाती है, तो बच्चे को एक मल्टी विटामिन सिरप तो आप दे ही सकते हो। छोटा बच्चा है सिरप, बड़ा बच्चा है गोली, है ना, जिंक दे सकते हैं, विटामिन सी दे सकते हैं, प्रिकॉशनरी उससे कोई बहुत ओकेजनली भी दे सकते हैं, 2 दिन में, 4 दिन में एक बार, या अपने पीडियाट्रिशियन से बात करें कि बच्चे की हेल्थ सही रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है बच्चे की डाइट, बच्चे की नींद, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी। घर बैठा बच्चा फिजिकल एक्टिविटी छोड़ देगा तो बीमारी बढ़ेगी। घर बैठा बच्चा अगर सही समय पे सोएगा नहीं, सही से खाएगा नहीं, उल्टा सीधा खाएगा मैगी वैगी, सिर्फ प्रोसेस्ड फूड खाएगा, बिस्किट मैगी और कुछ नहीं, घर का प्रॉपर हाई प्रोटीन फूड चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। एंड बच्चों के साइंस आपको देख लें, बच्चे बीमार होता है तो उसको बुखार आएगा, उसको सर्दी, खांसी, बलगम, लूज मोशन, पेट में इन्फेक्शन जा सकता है, लूज मोशन, पेट में दर्द, बुखार, ये आ सकता है। तो बच्चों में सीरियस सिम्टम है वो है सांस फूलना। सांस फूलता है यानी रेस्पिरेटरी रेट, अगर सांस लेने का रेट बच्चे का बढ़ जाता है 40, 45, 50, इतना ज़्यादा होते जा रहा है एक मिनट में। एडल्ट के लिए सीरियस रेस्पिरेटरी रेट है 35 से ऊपर, बच्चों के लिए अलग अलग एज के हिसाब से, जितना छोटा बच्चा उतना उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ होता है। सबसे छोटे जो बच्चे 1 साल के नीचे होते हैं उनका एक मिनट में अगर 50-60 से ज़्यादा है तो दिक्कत वाली बात है, आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, तो फिर बच्चे को एडमिट करने की बात आ सकती है। मतलब आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में बुखार एंड ऑल, छोटा मोटा बॉडी पेन, लूज मोशन, ये घर पे ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में दवाइयाँ से ठीक हो जाएंगे। तो ज़्यादातर बच्चे खुद ही ठीक हो जाएंगे और सिंपल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे। सिर्फ 2%, 5% बच्चों को रिस्क होगा, और ये हो सकता है अगले 6 महीने के बाद जो थर्ड वेव आएगी उसमें भी हो। सो अभी से अपने बच्चों की हेल्थ असेसमेंट करिए, ऑनलाइन पीडियाट्रिशियन से बात करिए कि भाई मेरे बच्चे के हेल्थ को देखो, मॉनिटर करो, या उसमें क्या कमी है, मैं क्या कर सकता हूँ,
ये इतना खाता है, ये इतना खाती है, डाइटिशियन से बात करो, ठीक है, आप अपने डाइट को रीअसेस करो, बच्चों के प्रोटीन इंटेक को रीअसेस करो, ठीक है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी हेल्दी व्हेन यू फेस दिस काइंड ऑफ अ डिजीज, ओके। सो दिस इज अबाउट द न्यू वेरिएशन। ये नहीं पता कि व्हाई इज दिस न्यू वेरिएशन इज डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन। ये वेरिएशन है, ये म्यूटेशन, ये भैया पता नहीं कौन से नए जमाने का वायरस है, म्यूटेट करके आया है, म्यूटेट होता रहता है, कब तक होगा, कब तक खत्म होगा, सब अपने एस्टिमेट्स दे रहे हैं, पर गारंटी कुछ नहीं, ठीक है ना। यू कैन नॉट कंट्रोल रेस्पिरेटरी रेट, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, बच्चों को भी योगा करवाइए, मेडिटेशन कराइए, सिर्फ टीवी पे कार्टून की जगह टीवी पे योगा लगा के बुजुर्गों को चेयर योगा, बेड योगा आता है, सांस लेने की एक्सरसाइजेस हैं, हाथ पैर हिलाइए, अपना चलिए, घर पे दौड़िए, भागिए, एक्सरसाइज करिए, जंपिंग जैक्स करिए, है जी, कुछ भी लगा के टीवी पे बड़ों के साथ बच्चे देखा देखी करते हैं, तो यू नीड टू डू दैट, ठीक है। तो बच्चों को प्रोटेक्ट करिए। बाकी अगर कोई फ्लाइट्स में आना जाना होता है तो जो गाइडलाइंस आपकी गवर्नमेंट या फ्लाइट वाले बनाते हैं आपको वो सारे फॉलो करने हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हैंड हाइजीन, पीपीई किट, वट एवर यू कैन, जस्ट स्टे प्रोटेक्टेड, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड से। हाँ, मैंने डबल मास्क पहना है, एक छोटा एक बड़ा, वो इसलिए है क्योंकि ये सामने वाला जो मास्क है थोड़ा सा पुराना हो गया है तो वो इरिटेट करता है तो नाक को इरिटेट करता है, तो उसके नीचे नवा वाला छोटू मास्क, डबल प्रोटेक्शन, अपना अपना कारण है, ठीक है। ऑलराइट, यू कैन वेयर डबल मास्क, नो बिग डील, ओके। मम्मी पहले से बेहतर है, मम्मा एकस ठीक है घर पे, टच वुड, रिकवरी बहुत स्लो है, आपको पता है हालत, सब पूरी दुनिया की इतना वीकनेस हो रहा है कोविड से कि पूछो मत। प्रोटीन डाइट रखिए भाई साहब, हाई प्रोटीन डाइट। हेडेक हो रहा है, दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। बच्चों और बुजुर्गों दोनों में इंक्यूबेशन पीरियड उसका 2 से 14 दिन का ही है, मिनिमम 2 डेज, मैक्सिमम 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। यानी अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को या बुजुर्गों का एक्सपोजर हुआ है तो उसको 14 दिन तक आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। नमनेस इन फिंगर इज नॉट अ बिग इशू, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट उसको उसको एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज से आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। पापा को 25 दिन हो गया है कोविड पॉजिटिव, का CRP 1 है, पहले आया था अभी, पर अभी 70 है CRP, CRP 70 बढ़ जाता है कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन के वजह से, क्लॉटिंग होने के वजह से, तो उनका डी डाइमर कराइए, सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक शुरू करिए, एक बारी चेस्ट का एक्सरे कराइए। व्हेन कैन यू टेक अ सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन, सेकेंड डोज नीड्स टू बी टेकन आफ्टर, अगर आप बीमार हो गए, रिकवर हो गए, तो आप 1 महीने के बाद कोविड का सेकेंड डोज लीजिए। और जब भी आपने कभी दुनिया में सुना कि थर्ड वेव आ गई है, उससे पहले एक बूस्टर डोज जरूर लीजिए।
इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट टेस्टेड इफ यू हैव सिम्टम्स, बट इट इज नेसेसरी टू आइसोलेट योर सेल्फ एंड स्टार्ट ट्रीटमेंट इफ यू हैव एनी सिम्टम स्मॉल और बिग. डी डाइमर अगर बड़ा हुआ है तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होगा एंटी कोएगुलेशन. चलिए दोस्तों, आई नीड टू गो नाउ.